बड़ा बड़ा अजीब लगता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है जब इस तरह से अपने देश के लोगों को हम लोग देखते हैं। डॉक्टर राणा, ये स्थिति इतनी बिगड़ कैसे गई, और आपको लगता है कि जल्द ही ये सुधर जाएगी, और सुधर जाएगी तो कब तक? ये कैसे बिगड़ गई, ये भी सवाल बड़ा मुश्किल है। पर ये पता था कि सेकंड वेव आएगी, इतनी भयंकर तरीके से आएगी है, कैसे आएगी ये पता नहीं था किसी को, क्योंकि जब फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई तो उसके बाद लोगों की ढिलाई भी कर दी, लोगों ने सोशलाइजेशन करना शुरू कर दिए, फंक्शन में जाना शुरू कर दिया, त्यौहार आए, उससे वो बढ़ गया। और जो वायरस है वो भी शायद म्यूटेंट है, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से उसका संक्रमण बड़ी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा इस बार यंगर लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, यंगर लोगों को भी बीमारी हो रही है, और इतनी ज़्यादा हो गई कि हॉस्पिटल के बेड शॉर्ट पड़ गए हैं। बड़ा दर्द भरा दृश्य हॉस्पिटलों के बाहर है, रोज आता है लोगों को देख कर, क्या किया जाए, हम हेल्पलेस हो गए हैं। और अब सबसे बड़ी कठिनाई, बेड्स तो कम है ही हैं, पर जो ऑक्सीजन जो वाइटल है ट्रीटमेंट है सब डिजीज के लिए, उसकी कमी 4-5 दिन से चल रही है। सरकार लड़ रही है, हम सरकार कुछ कर रही है, पूरे जोश लगा रही है सरकार भी। सर, गंगाराम हॉस्पिटल की स्थिति जरा बता दीजिए, क्योंकि कल खबर ये आई थी कि काफी मौतें हुई हैं वहां पर कल और आज, क्या स्थिति है सर? आप क्या आप नए मरीजों को भर्ती कर पा रहे हैं, या ऑक्सीजन की क्या स्थिति है आपके वहाँ? नहीं सर, नए मरीज तो हम रोज जो जितने बेड खाली होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, डेथ होते हैं, उसके बदले नए ऑपरेशन बढ़ते ही हैं, पर एट द एंड ऑफ डे सारे बेड भरे रहते हैं। एट ए गिवन टाइम जैसे ही कोई डिस्चार्ज हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, बेड खाली हो रहा है, तो नए पेशेंट बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं भर्ती के लिए। भर्ती तो हम किसी को इनकार नहीं कर रहे हैं, और हमने सबसे पहले ये ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया था कि हमारे हॉस्पिटल जब ऑक्सीजन कुछ घंटों की थी, तब हमने मुद्दा सरकार के साथ उठाया था, दिल्ली सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ उठाया था, फिर आपके आप न्यूज चैनल के साथ भी हमने मुद्दा उठाया था। उसके बाद एटलीस्ट हमें ये बड़ी खुशी है कि हमारी अपनी दिल्ली की सरकार और केंद्रीय सरकार में सेंसिटिविटी आई है, वो उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री भी 3 दिन से लगातार कोई ना कोई मीटिंग कर ही रहे हैं जी, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक भी सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त हमारे पास 2 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है। पर अभी हम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि थोड़ी हम और छोड़ जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी छोड़ जाते हैं। अभी हमें आज वैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक परमिशन मिल गई है कि हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है 9,000 से 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की जी, वो रोज हमें आईनॉस सप्लाई करती रहेगी। ये बहुत बहुत राहत की बात है सर, 11-12 से पहले नहीं आ सकते हैं। कोई बात नहीं सर, ये बहुत राहत की बात है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, और वो 2 घंटे बाद आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। हर रोज जितनी आपको जरूरत है उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी।